वापस आ चुके हैं सुंदरबन में और अभी दिसंबर का 30 तारीख है आज। रास्ता तो पहले 60-70 किलोमीटर बढ़िया है, लेकिन उसके बाद 20 किलोमीटर थोड़ा सा दिक्कत है, टूटा फूटा रास्ता है, काम चल रहा है। तो अभी बोट में चढ़ चुके हैं हम और ब्रेकफास्ट आ चुका है, एक बार देख लेते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। पूरी है, आलू की सब्ज़ी है, बॉइल्ड एग, बनानास और ये है आपका गुड़ का रसगुल्ला, जो स्पेशलिटी है अभी सुंदरबन में, बंगाल में इस टाइम में विंटर का स्पेशलिटी है। दोस्तों वेदर तो बेहतरीन है, सूरज निकल चुका है, सवेरे थोड़ा कोहरा था, सूरज निकल चुका है, अभी भी हम लोग जंगल के बाहर ही हैं, थोड़ी देर में जंगल में घुसेंगे, क्या होता है, क्या सिचुएशन है जंगल में, टाइगर का मूवमेंट क्या है वो पता करेंगे, पगमार्क्स वगैरह ढूंढना आसपास में देखेंगे। अभी न्यू ईयर का टाइम है तो काफ़ी बोट्स भी हैं जंगल में, टूरिस्ट काफ़ी हैं। तो अभी मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है ये ह्यूमन हैबिटेशन का किनारा है, गोसाबा आइलैंड का ये पार्ट है। पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी, अगर थोड़ा सा दिखाएं तो काफ़ी बोट्स हैं पीछे इधर उधर से। एनीवे अभी जंगल घुसेंगे और देखेंगे जंगल हमारे लिए क्या सरप्राइजेस रखे हैं। अभी हम जंगल के अंदर आ चुके हैं और ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया था, पूरी आलू की सब्जी और बॉइल्ड एग, केले तो मैं नहीं खाया लेकिन जो गुड़ का रसगुल्ला था दैट वाज वंडरफुल। तो खाने से वापस जंगल में आते हैं और कुछ रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पे एक टाइगर का मूवमेंट है, दो तीन दिन पहले टाइगर दिखा था लेकिन उसके बाद से पंजे दिखे हैं एक दो बार लेकिन टाइगर तो अभी तक नहीं दिखा है। तो हम टाइगर की कोशिश करेंगे और बाकी वाइल्ड लाइफ भी देखेंगे कि क्या वाइल्ड लाइफ मिलता है। विंटर का महीना है तो क्रोकोडाइल्स के चांसेस भी अच्छे होंगे, तो क्रोकोडाइल्स भी ढूंढेंगे। ओवरऑल जंगल बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, धीरे 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 लाइट बढ़िया हो रही है और मौसम खुल रहा है तो फॉग घट रहा है। लगभग शाम हो चुकी है, सूरज भी अब ढलने लगा है, बादलों के पीछे चला गया है, अभी तक सनसेट नहीं हुआ है। हम जंगल से निकलने वाले हैं, बहुत देर नहीं है, थोड़ा बहुत मूवमेंट का आज इंफॉर्मेशन रहा लेकिन कुछ मिला नहीं खास। तो हमारे साथ है हमारे कुक शंकर दा जो अभी स्नैक्स बना रहे हैं, तो स्नैक्स में आज बन रहा है फिश फिंगर। दोस्तों अभी मैं बोट के अंदर हूँ, बाहर काफ़ी ठंड है इसलिए अंदर ही बैठा हूँ स्नैक्स लेके, जो फिश फिंगर है वो लेके। तो बहुत ही बेहतरीन हुआ है फिश फिंगर, आपको दिखाता हूँ एक पीस। ब्यूटीफुल शेप और ब्यूटीफुल कलर, इसको आप टेस्ट करेंगे और देखेंगे कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए फ्रेंड्स, लोडेड विथ फिश, आपको दिख रहा है ना, मसाले हैं अंदर, मिर्च है, धनिया है और भी काफी सारे मसाले हैं,
बहुत ही क्रिस्पी कोटिंग है, फ्लेवर्स बहुत बढ़िया है फ्राई होने के बाद, नमक परफेक्ट है। फ्राइड चीज़ों में नमक कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये नमक भी एकदम परफेक्ट है। और वेटकी फिश क्या कहना, ज़बरदस्त फिश होता है, मज़ा आ गया खा के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दूसरा दिन है, सुबह हो चुकी है, काफ़ी विंड है अभी, आज ठंड है लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है कि एकदम चिलिंग कोल्ड नहीं है, लेकिन विंड की वजह से थोड़ा सा कवर लेना ज़रूरी है। तो ये हमने थोड़ा प्रिपरेशन ले लिया है, टोपी वोपी पहन ली है, और सुबह के अभी 6 बजे है, सनराइज अभी तक नहीं हुआ है। मौसम अच्छा है, हवा को अगर छोड़ दे तो हवा के अलावा और कुछ ख़राब नहीं है, बादल वगैरह नहीं है, आई ऐसा लग रहा है कि स्काई तो पूरा क्लियर है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज सनी रहेगा तो थोड़ा एक्टिविटी बढ़िया होगा, बाकी देखते हैं, जंगल है कुछ भी हो सकता है। लगभग दोपहर का टाइम होने वाला है, 11:30 के आसपास का टाइम। आज सुबह से एक भी फ्रेश मंजा नहीं मिला है हमको, तो टाइगर मूवमेंट का कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, देखते हैं। दिन अभी काफ़ी बाकी है, सुबह से एक ठंडी हवा चल रही है, विंटर है तो ठंड तो रहना नॉर्मल है, और एक ठंडी तेज़ हवा चल रही है। वेदर बढ़िया है वैसे, वेदर क्लियर है, धूप है, बढ़िया धूप है, बर्ड एक्टिविटी है सुबह से, कुछ किंगफिशर्स देखे हैं हमने, और ब्रेकफास्ट में आज चिकन नूडल्स बना था, तो बहुत ही बढ़िया चिकन नूडल्स बना था, ब्रेकफास्ट किया, कॉफ़ी वॉफी किया और कुछ बर्ड्स दिखे। दोस्तों लंच टाइम हो चुका है, तो हमारा लंच भी सर्व हो गया है, दाल है, फ्राई है, सब्जी है, लेकिन जो आज का स्पेशल है वो आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ, वो है जंबो प्रॉन्स, स्पेशलिटी है सुंदरबन का। ये देखिए दोस्तों, जंबो प्रॉन्स देखने में तो बेहतरीन है ही, जंबो प्रॉन मैं अभी ट्राई करने वाला हूँ, थोड़ा सा राइस करी के साथ, हल्का सा स्वीट है करी, बहुत ही टेस्टी है। प्रॉन का तो क्या कहना, प्रॉन का जो मेन मज़ा है वो हेड में है, ये देखिए, ये हेड के अंदर, यहाँ से थोड़ा सा मीट, ये है प्रॉन का मीट, बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, 1 जनवरी 2022, अभी हम जेटी में खड़े हैं, स्टार्ट करने वाले हैं आज का दिन। वेदर सही है, ब्लू स्काइज है, हल्का सा फॉग है, और कल लेट इवनिंग 2 टाइगर मूवमेंट्स के बारे में पता चला है, एक टाइगर तो दिखा है, दूसरे का फ्रेश पगमार्क मिला है, दूसरे बोट्स को मिला है, लेकिन अब आज कोशिश रहेगी कि 2022 के 1 जनवरी को कुछ किया जाए, टाइगर ढूंढा जाए। बाकी दिन भर का हालचाल आपको सुनाता रहूँगा, अभी के लिए बस इतना ही। वो दूर मेरे पीछे फॉरेस्ट दिख रहा है, ये देखिए काफ़ी बोट्स एंकर्ड हैं अभी भी, सुबह के 6:10 हुआ है, तो ज़्यादातर बोट्स अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं। Thank you.
चुका है, जंगल का सफारी ख़त्म हो गया आज का। हम अनलकी रहे, आज टाइगर साइटिंग हुआ है, लेकिन हम सही वक्त में सही जगह पे नहीं थे तो हमको नहीं दिखा, लेकिन दो अलग बोट्स को दिखा। बढ़िया साइटिंग रही, बता रहे हैं 20-25 मिनट तक टाइगर दिखा है, लक नहीं था। कोशिश हमने बहुत की, पंजे मिले आज खूब सारे, 3-4 जगह पे फ्रेश पंजे मिले, एक दिन पुराना वगैरह, आज सवेरे वाला पंजा भी मिला। तो हम वही पंजा वगैरह देखने के चक्कर में रहे, कोशिश किया हमने, लेकिन शायद नसीब को मंजूर नहीं था कि हमको टाइगर दिखे, इसलिए आज नहीं दिखा। कोशिशें जारी रहेंगी, कल सवेरे भी कोशिश करूँगा, पूरी टीम हमारी कोशिश करेगी। टूर का लास्ट मॉर्निंग है गाइस, आज 3-4 घंटे ही रहेंगे जंगल में, फिर अर्ली एग्जिट भी करना है। कल जैसे मैंने बताया, लक हमारे साथ नहीं था तो हमको टाइगर मिला नहीं, दूसरे बोट को मिला। आज देखते हैं, कुछ टाइगर अगर होता है तो ठीक है, कोशिशें जारी रहेंगी, नहीं तो बाकी बर्ड्स वगैरह और कुछ जानवर, दूसरे जानवर, ऑटर वगैरह कुछ मिलता है या नहीं। और पीछे सनराइज़ हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ हुआ है। हमारा ब्रेकफास्ट धीरे धीरे आ रहा है, एक करके मिठाई, बॉइल्ड एग और भी सामान आने वाले हैं, और आज का जो स्पेशल है वो आपको दिखाएंगे वो आने के बाद। एकदम फ्रेश खाना जो अपने बोट में ही बनता है, हॉट है, गर्म है, और ये आ रहा है आज का स्पेशल। आपको दिखाते हैं नज़दीक से, ये देखिए, ये है पीज कचौड़ी, इसमें मटर की फीलिंग है, मटर की फीलिंग के साथ इसको खाया जाएगा आज। दिखाते हैं आपको, ये देखिए दमालू, और साथ में है चने की दाल, ये है कचौड़ी। अंदर बढ़िया से पीस की फीलिंग भरी हुई है, थोड़ा सा चना दाल के साथ। लेट मी ट्राई, बढ़िया है, मीठी चना दाल, थोड़ा सा दम आलू, अब दोनों कॉम्बिनेशन बेहतरीन।